हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन आर्मी द्वारा फ्यूचर की तैयारी करी जा रही है और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के प्रोक्योरमेंट प्लान को बनाया जा रहा है। तो इंडियन आर्मी द्वारा अप्रूवल इन प्रिंसिपल को ग्रांट किया गया है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को लेकर, जिसके अंतर्गत टैंक बनना है और साथ में उसका पावर पैक बनना है, यानी कि उसका इंजन बनना है। तो पहले फेज में करीबन 590 FRCV का प्रोक्योरमेंट होगा, जिसके लिए इंजन्स को भी बनाना होगा जो कि 1200 यानी कि 1200 से 1500 हॉर्स पावर के हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस FRCV को डिज़ाइन किया जाएगा कई पैरामीटर्स को दिमाग में रखते हुए, जिसके अंतर्गत अर्बन वॉरफेयर, एसिमेट्रिक थ्रेट्स और इन सिनेरियोज में सर्वाइबिलिटी को एनहेंस्ड करने के लिए भी फीचर्स को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सर्विस लाइफ एंटिसिपेट की जा रही है ये 35 से 45 ईयर्स की करी जा रही है, और यहाँ पर फ्यूचर को देखते हुए कनेक्टिविटी को भी दिमाग में रखा जा रहा है, ताकि नेटवर्क ऑपरेशंस में भी ये जो FRCV है ये मददगार साबित हो सके। तो पहले भी FRCV को लेकर कई पैरामीटर्स इंडियन आर्मी ने निकाले थे कि उनकी रिक्वायरमेंट किस टाइप की है, लेकिन इस बार यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं पहले के मुकाबले। तो अब FRCV 55 से 57 10 क्लास कैटेगरी में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन को एनहेंस किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 360 डिग्री की प्रोटेक्शन मांगी गई है, इवन टॉप अटैक के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मांगी गई है, जो कि सॉफ्ट किल और हार्ड किल मैकेनिज्म को यूज करके अचीव करी जाएगी। बाकी यहां पर पैसिव प्रोटेक्शन की भी मांग करी गई है, जिसके अंतर्गत फ्रंट में कम से कम 800 मिलीमीटर रोल्ड होमोजेनस आर्मर होगा, जो कि 60 डिग्री आर्क में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। बाकी ऑलराउंड प्रोटेक्शन मिनिमम 600 मिलीमीटर की होनी चाहिए, वो भी लाइट वेट मटेरियल्स को यूज करते हुए। बाकी जो अंडर बेली है ये भी कम से कम 15 किलो TNT के ब्लास्ट को झेलने में सक्षम होना चाहिए, और ये सब अचीव करना है लाइट वेट सॉल्यूशंस को यूज करते हुए। बाकी यहाँ पर जो आर्मर है ये भी मॉड्यूलर होना चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर एरा प्रोटेक्शन को ऐड करना है तो वो बड़ी आसानी से हो जाना चाहिए। बाकी क्रू प्रोटेक्शन को भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। तो ऐसा माना जाता है कि जो क्रूज सेक्शन है ये टरेट से डिफरेंट रखा जाएगा, जैसा कि T-14 अर्माटा में है। साथ ही साथ व्हीकल में फायर डिटेक्शन और सप्रेशन दोनों सिस्टम दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्रू नंबर है ये 3 के बजाय 4 होगा, यानी कि कमांडर, गनर, ड्राइवर और लोडर। बाकी प्रोटेक्शन को एनहेंस करने के लिए यहाँ पर मिसाइल वार्निंग, जो कि इनकमिंग मिसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन पहले ही देने में सक्षम होंगे, तो ये लेजर डेजिग्नेटर को डिटेक्ट करके मिसाइल कहाँ से आ रही है उसकी लोकेशन का पता लगाने में भी सक्षम होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेल्थ कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्मोक डिस्पेंसर सिस्टम्स वगैरह दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो हीट सिग्नेचर्स है और एकॉस्टिक सिग्नेचर है उनको भी कम रखने की कोशिश करी जाएगी। बाकी जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर डिजिटाइज्ड सिस्टम को यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है और नेटवर्किंग ऑपरेशंस है उसमें ये बड़े आराम से काम करने में सक्षम होंगे, और साथ ही साथ अनमैन ग्राउंड व्हीकल को और ड्रोन्स को भी अंदर से कंट्रोल किया जा सकेगा। साथ में ये लॉन्चिंग मिशंस को भी फायर करने में सक्षम होंगे। बाकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो मेन गन लगेगी ये मिनिमम 120 मिलीमीटर कैलिबर की होगी, यानी कि 125-130 मिलीमीटर भी हो सकती है। बाकी ये डे नाइट सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने में सक्षम होंगे और डिफरेंट टाइप के एमिनेशंस को भी फायर करने में सक्षम होंगे, चाहे आर्मर पियर्सिंग राउंड हो, चाहे एंटी टैंक मिसाइल्स हो। साथ में यहाँ पर टरेट में रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम भी दिया जाएगा, कोएक्सियल मशीन गन भी होगी, और कमांडर और गनर की डिफरेंट साइट्स होगी, जो कि आजकल ये टैंक्स में भी दी जाती हैं। पर AI का यहाँ पर यूज किया जाएगा टारगेट डिटेक्शन में और फायरिंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराने में। बाकी टैंक का वजन यहाँ पर 55 से 57 टन का मांगा गया है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, ये भी यहाँ पर इंश्योर करना ज़रूरी है। तो हमने, क्योंकि अर्जुन एक भारी टैंक है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ों को विकसित किया है, डिफरेंट ट्रेलर्स को बनाया है, तो इन टैंक्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। बाकी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये टैंक 2030 तक तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडियन आर्मी द्वारा 55 से 57 10 क्लास कैटेगरी के टैंक की मांग करी जा रही है, जबकि जो अर्जुन मार्क 1 का वेट है ये अराउंड 58 से 60 टन के आसपास का बताया जाता है, और वो टैंक इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी भारी था। लेकिन अब आर्मी द्वारा 57 10 क्लास कैटेगरी के टैंक की ही मांग करी जा रही है,
तो ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी की नई स्टडी में ये चीज निकल कर सामने आई है कि जिस तरीके के फीचर्स उन्हें चाहिए ये इन्हें 55 टन क्लास कैटेगरी के टैंक से कम में नहीं मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है रियलिस्टिक अप्रोच को रखना। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो वजन है ये 60 टन को भी क्रॉस करेगा। खैर, ये चीज़ भी हम साफ करना चाहेंगे कि जो T-14 अर्माटा है ये एक 55 टन क्लास कैटेगरी का टैंक है, नेक्स्ट जनरेशन माना जाता है और एक 1500 हॉर्स पावर के इंजन के साथ आता है। तो कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर T-14 अर्माटा की कन्फिग्रेशन से मैच खाती है, यानी कि अगर T-14 अर्माटा में फर्दर इम्प्रूवमेंट किए जाए तो हो सकता है वो इंडियन आर्मी की FRCV की रिक्वायरमेंट में फिट बैठ जाए। तो यहाँ पर हम किस डायरेक्शन में जाते हैं ये देखने वाली बात होगी और ये आने वाला समय ही बताएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।